नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही वो अभी तक की बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। फोर्टिस अस्पताल के स्टाफ कर्मचारियों को निकाले जाने पर आज आक्रोशित कर्मचारियों ने अस्पताल में नारेबाजी के बीच धरना दिया। कर्मचारियों का कहना था कि वे पिछले 10 सालों से अपनी सेवाएं देते आए हैं और आज इस तरह से उन्हें निकाला जाना उचित नहीं है। इस बीच अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार फोर्टिस अस्पताल के स्टाफ कर्मियों के बीच पहुंचे और स्टाफ कर्मियों को ना निकाले जाने की मांग की। वहीं इस समस्या के निदान के लिए पूर्व विधायक राजकुमार ने मुख्य सचिव से वार्ता की और कहा कि देहरादून के मध्य में स्थित कोरोनेशन अस्पताल के प्रथम तल को स्थानीय लोगों के हृदय रोगों के उपचार के लिए फोर्टिस अस्पताल प्रबंधन को दिया गया है, जहां हृदय रोग विशेषज्ञ एवं स्टाफ सदस्य जिनकी संख्या 200 से अधिक है को नियुक्त करके स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते आ रहे हैं। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि फोर्टिस अस्पताल प्रबंधन के साथ पूर्व में किए गए अनुबंध की समय सीमा अवधि समाप्त होने पर अभी तक उसका रिन्यूअल नहीं हुआ। इस कारण से स्थानीय गंभीर हृदय रोगी जिनका पूर्व से फोर्टिस अस्पताल से इलाज चल रहा था उनका इलाज रुक गया है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन के स्टाफ कर्मी अचानक आर्थिक रूप से संकट में आ गए हैं। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि फोर्टिस अस्पताल के अनुबंध की समय सीमा को शीघ्र अतिशीघ्र बढ़ाया जाए, अन्यथा हमें जनहित में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। में कोरोनेशन हॉस्पिटल के ऊपर फोर्टिस हॉस्पिटल जो हृदय का है जिसमें हार्ट अटैक और अन्य मरीज भी उपचार किए जाते हैं, एक अनुबंध गवर्नमेंट के द्वारा 10 वर्षों का हुआ था जो लगभग अभी ख़त्म हो चुका है। वर्तमान सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया है, ना ही आगे निर्णय ले रही है। फोर्टिस हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें 100% लोगों को ठीक किया है और वहाँ पर लगभग 200 से अधिक स्टाफ कार्यरत है, चाहे स्टाफ नर्स हो, वार्ड बॉय हैं या टेक्निकल स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो। उन 200 लोगों को बेरोजगारी के कगार पर छोड़ दिया गया है इन लोगों ने और उनकी कोई देखरेख नहीं कर रहा है। आज उन्होंने मेरे को वहाँ पे बुलवाया था और उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों के परिवार कैसे चलेंगे, सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है। और फोर्टिस हॉस्पिटल बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल था जिसमें लोगों को लगभग कम रेटों पर एक इलाज किया जाता था और उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी कि दिल्ली से डायरेक्ट टच था और लगातार यहाँ पे अधिकांश मरीज ठीक हुए हैं। तो हमारा कहना यह है कि हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी से वार्ता करी है और चीफ सेक्रेटरी से वार्ता करने के अभी शाम को उन्होंने टाइम दिया है, शाम को हम वार्ता करते हैं कि इसका अनुबंध बढ़ाया जाए, नहीं तो 200 परिवार का घरों में अंधकार छा जाएगा। ये लोग कहाँ नौकरी करेंगे आज का कोरोना कार्यकाल में? वैसे भी इन लोगों ने इतनी सेवाएँ हमें दी हैं लेकिन अब इनको हटाया जाना उचित नहीं होगा। और अगर इसी तरह वर्तमान सरकार इन स्वास्थ्य कर्मियों को हटाती रही या इनका अनुबंध नहीं बढ़ाया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इनका घेराव भी करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।